में साथियों आज की इस वीडियो में 2024 के जनवरी फरवरी मार्च यानी कि इन तीन महीनों का कंप्लीट करंट अफेयर देखिएगा साथियों आपकी आगामी परीक्षा में जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोग यहीं से देखेंगे तो अगर आपने साथियों इस वीडियो में एंट्री ले ली है तो इन सभी करंट अफेयर के सवालों को अपने मनोमस्तिष्क में साथियों, साथियों स्टोर कीजिएगा और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिएगा तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है सभी क्वेश्चन साथियों चुनिंदा है सेलेक्टेड है तो तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है देखिए और बताइए सही जवाब इसका क्या होगा कि हाल ही मुस्तफा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं आपसे पूछा जा रहा देखिए फिलिस्तीन के साथियों अभी प्रधानमंत्री बने हैं तो कौन बने हैं इनका नाम क्या है तो मोहम्मद मुस्तफा इनका नाम है और ये साथियों में फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने हैं आप लोग तो ध्यान रखेंगे अब देखिए फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं आपसे एग्जाम में में पूछा जा सकता है उसके अलावा साथियों अभी हाल फिलहाल कौन कौन से देशों के कौन कौन राष्ट्रपति बने हैं कौन कौन प्रधानमंत्री बने हैं वो भी देख लीजिए जैसे कि कि आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं तो तामस तोलोक इनका नाम है और हंगरी के ये राष्ट्रपति बने हैं आपसे साथियों पूछ लिया जाए कि तुवालू की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है तो फेलेटी टी इनका नाम है और ये तुवालू की नई प्रधानमंत्री

ध्यान रखिए लागू ना करने की घोषणा की है तो तमिलनाडु की, की राष्ट्रपति का चुनाव जीता है बताइए तो साथियों अगर रूस के राष्ट्रपति की तो रूस के राष्ट्रपति ने लगातार ये बहुत बड़ी बात है लगातार पांचवी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए एक पॉइंट देख लीजिए साथियों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं इनका नाम है साथियों ओलेग एक इन्होंने अठहत्तर दिन या लगभग ढाई साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है 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 तो तो साथियों साथियों इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे और ये कहां की हैं तो रूस की अंतरिक्ष अंतरिक्ष रूस उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रूस ने दो हजार की अध्यक्षता संभाली है या आपको ध्यान रखना पूछा जाएगा ब्रिक्स दो की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है तो रूस ने संभाली है उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत ने रूस से एस फोर हंड्रेड मिसाइल स्कवाइन खरीदे हैं यह भी आपको मालूम होना चाहिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो इनका नाम है साथियों टी एम कृष्णा और इनको संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ साथियों देखिए जितने भी क्वेश्चंस यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं सभी के सभी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर कर दूंगा यानी कि इससे बाहर आपको इसका रिविजन करने की बस जरूरत पड़ेगी एग्जाम से पहले पहले बाकी ये सारे सवाल आपको क्लास में ही याद में करवा दूंगा अब उसके बाद देखिए क्योंकि

तो आप लोग देखेंगे तो आपने देखा अमिताभ घोष को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो नीदरलैंड के ड्रॉसमस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि मिस वर्ल्ड ह्यूमेटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है आपसे पूछा जा सकता है कि 2024 का जो पुल्चर पुरस्कार है साथियों आर्किटेक्चर नोबेल ये किसने जीता है तो ये रिकेन यामाटो ने जीता है किसने रिकेन यामाटो ने साथियों दो हजार पुरस्कार दीचा है आर्किटेक्चर नोबेल उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे साथियों कहां पर खुला है तो कहां पर खुला है साथियों यह नई दिल्ली में खुला है भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे यह आप लोग ध्यान रखेंगे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है बताइए तो अभी साथियों अगर बात करें आंकड़ों के अनुसार बेगूसराय एक ऐसा शहर है जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर साथियों घोषित हुआ है आंसर आपका जाएगा बी के साथ किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बताइए तो इनका नाम है डॉक्टर उमा रेल क्या इनका नाम है इनका नाम है डॉक्टर उमा रेल और इनको ही महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आंसर आपका सी के साथ जाएगा अब अगर बात करें पुरस्कार से संबंधित प्रश्न जो दो के सबसे अहम पुरस्कार दिए गए हैं वो आप लोग एक बार देख लीजिए रिविजन कर लीजिए वैसे ही हम लोग देख चुके अमिताभ घोष की अगर बात तो इनको नीदरलैंड का इरामसन पुरस्कार से नवाजा गया है मिस वर्ल्ड अवार्ड किसको दिया गया है तो नीता अंबानी जी को दिया गया है दो का पुलिस पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबेल किसने जीता है तो रिकेन यामा मोटो ने जीता है। इतनी जानकारी साथियों आपको मालूम होना चाहिए चलिए उसके बाद देखिए कि महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किसको दिया गया है तो अभी मैंने आपको बताया डॉक्टर उमा रैली को दिया गया ये रिपीट हो गया क्वेश्चन कोई बात नहीं हाल ही में किसे लोक आयुक्त नियुक्त किया गया है बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरीके से आपके सामने आ गया है तो अगर बात करें, लाल मल सावमा की तो इनको लोकायुक्त नियुक्त किया गया है आंसर आपका जाएगा बी के साथ उसके बाद अगर बात करें एनसीएससी के अध्यक्ष साथियों कौन बनाए गए हैं तो किशोर मकवाना बनाए गए हैं सीवीसी में सतर्कता आयुक्त कौन बनाए गए हैं तो श्री ए इस राजीव बनाए गए हैं आपसे पूछा जाए संसद सुरक्षा का प्रमुख किसको बनाया गया है तो अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य किसको नियुक्त किया गया है तो आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है यह आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे हाल ही में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण साथियों कहां पर आयोजित किया गया है कहां पर शुरू किया गया है तो नागालैंड में शुरू किया गया है आप लोग ध्यान रखेंगे यानी कि पूर्वोत्तर खेल 2024 हजार चौबीस का तीसरा का संस्करण कहां शुरू हुआ है तो नागालैंड में शुरू हुआ है अब देखिए नागालैंड से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आप एक बार देख लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि नागालैंड राज्य दिवस कब मनाया जाता है तो एक दिसंबर को मनाया जाता है आपसे पूछा जाए हॉर्नबिल महोत्सव दो हजार पर मनाया गया है तो नागालैंड में मनाया गया है आपसे

किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नेपाल देश की पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया गया है तो साथियों पोखरा को घोषित किया गया है ये आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद देखिए हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है बताइए तो बात करें साथियों बहुत बहुत एक तरीके से डीसीबी बैंक जो है ना साथियों डीसीबी बैंक आप लोग ध्यान रखेंगे डीसीबी बैंक पर आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना लगाया है आंसर आपका जाएगा बी के साथ उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि डोला डोली क्या डोला ठीक है होली यहां पर साथियों लिखा है डोला होली समारोह हो, कहां पर आयोजित किया गया है तो यह तो ओडिशा में साथियों आयोजित किया गया है आंसर आपका जाएगा सी के साथ उसके बाद अगर बात करें कि ओडिशा से कितने प्रश्न बन सकते हैं देखिए कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जाएगा पूछा जाएगा कि भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है तो ओडिशा में किया गया है पूछा जाएगा भारत के

किसने संभाला है तो इनका नाम उत्कल रंजन है और इन्होंने साथियों राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है यानी कि राजस्थान के डीजीपी बन गए हैं अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि हाल ही में घुमोर होली कहां पर मनाई गई है बताइए तो घुमोर होली कहां पर मनाई गई है साथियों ये तो बिहार में मनाई गई है राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए अब उसके बाद देखिए कि बिहार से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आपसे पूछा जाएगा कि नागी पक्षी महोत्सव का शुभारंभ कहां पर किया गया तो किया गया गया है है तो साथियों बिहार में और यह दिन का एक तरीके से महोत्सव था कहाशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि बिहार की विधानसभा के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है तो नंदकिशोर यादव जी को उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर साथियों कहां पर बनाया गया है तो बिहार के पटना के गर्दनी बाग में साथियों बनाया गया है भारत का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है बताइए तो भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है नरेंद्र मोदी जी को मिला है आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जाएगा बी के साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मरने में सहायता को वैध बनाएगा कौन सा एक ऐसा देश है जहां पर एक ऐसा कानून लाया गया है वहां पर मरने में सहायता को वैध बनाया जाएगा तो साथियों फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर मरने में सहायता को वैध बनाया जाएगा यानी कि जिसको बहुत सीरियस बीमारी है और वो बड़ी दिक्कत से जी रहा है तो उसको कुछ ऐसी मेडिसिन यूज करने के लिए कहा जाएगा मेडिसिन यूज दी जाएगी ठीक है ना उसकी स्वीकृति के साथ साथ जो उसको थोड़ा सा आरामदायक मरने में उसको सहायता करेंगी तो ये साथियों कानून कहां पर लाया गया है फ्रांस में लाया गया है अब बात करते हैं साथियों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है तो फ्रांस रहा है भारत कौन से स्थान पर रहा है तो पचासी में नंबर पर रहा यानी कि पहले नंबर का आपको ध्यान रखना होता है और अपनी जो भारत की रैंक है वो आपको ध्यान रखना होती है डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा बना है तो फ्रांस बना है यह भी आप लोग को साथियों मालूम होना चाहिए भाई बहुत बढ़िया वेरी गुड क्लास हाल ही में कौन सा देश मरने में सहायता क्यों तो हम लोग देख चुके हैं ये तो देख चुके हैं साथ ही तो रिप्यूट हो गया कोई दिक्कत नहीं चलिए निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो शीतल देवी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे निर्वाचन आयोग ने ही राष्ट्रीय दिव्यांग के साथियों किसे घोषित किया है तो शीतल देवी जी को किया है उसके बाद देखिए अगर बात करें नीदरलैंड के इरासमस पुरस्कार दो से किसको सम्मानित किया गया है तो अमिताभ घोष को मिस वर्ल्ड ह्यूमेनिटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है तो नीता अबानी को रिकेन यामाोटो ने दो का पुलचर पुरस्कार

यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए भाई बहुत बढ़िया अब उसके हाल ही में किसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है तो साथियों साथ अमेरिका से संबंधित जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार देख लीजिए कि भारत को इकतीस प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी किस देश ने दी है तो अमेरिका ने दी है आप लोग ध्यान रखेंगे स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग दो में कौन राज्य देश शीश पर रहा है तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है उसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार यह मेघालय के उमरोई में हुआ है साथ ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग ध्यान रखेंगे चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर उन्तीस पॉइंट पांच पांच लाख रुपए का साथियों जुर्माना लगाया है तो वो बंधन बैंक है बंधन बैंक पर साथियों आरबीआई ने उन्तीस पॉइंट पांच पांच लाख रुपए का यानी कि लगभग साढ़े उन्तीस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है आपको मालूम होना चाहिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है तो ऑपरेशन कामधेनु की अगर बात करते है तो जम्मू कश्मीर के द्वारा साथियों शुरू किया गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधे शुरू किया गया है आंसर आपका जाएगा ए के साथ अब अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया आपसे पूछा जाएगा किस राज्य में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है तो जम्मू कश्मीर में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है तो जम्मू कश्मीर बना है अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया डायरेक्ट पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव किसे बनाया गया है तो अटल डुल्लू को बनाया गया है इतनी जानकारी आपको साथियों ध्यान रखना है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर महतारी वंदना योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है आपसे पूछा जाएगा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है कि महतारी वंदना योजना का वर्चुअल शुभारंभ जो किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है कहां पर किया गया है छत्तीसगढ़ में किया है ये दो पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे किसने इसका शुभारंभ किया है और कहां पर किया है मैं नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया और छत्तीसगढ़ में किया है अब छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप लोग देख सकते देख लेंगे अवैध धर्मांतरण यानी कि धर्म का परिवर्तन तरीके से करवाना अवैध रूप से इसको रोकने के लिए एक कानून लाया जाएगा कहां पर लाया जाएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर किसको चुना गया है तो रमन सिंह जी को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कौन भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं बताइए

आप लोग एक तरीके से याद रखेंगे चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहे कि टेस्ट रैंकिंग में कौन पर रहा है तो अंतरिक्ष में, में उड़ान भरेगी ठीक है ना भारत की पहली महिला रोबोट का नाम आपसे पूछा जाए तो व्यवित्र आपको बताना की पहली महिला रोबोट है आपसे पूछा जाएगा

देखिए किस राज्य के मांजुली मुखोटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है तो साथियों असम के आप लोग ध्यान रखेंगे यानी कि असम राज्य के मांजुली मुखोटे और पांडुलिपि पेंटिंग को क्या दिया गया है जीआई टैग दिया गया इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों यहां पर आप लोग देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं साथियों कि त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग दिया गया है ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है और अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है अयोध्या वाला उसके बाद देखिए किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है तो बांग्लादेश साथियों एक ऐसा देश है जहां के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है आंसर आपका सी के साथ जाएगा ई किसान उपज निधि का अनावरण साथियों किस ने किया है बताइए तो पीयूष गोयल की जब हम बात करते हैं पीयूष गोयल जी ने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया गया है आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा नाटो का 32वां सदस्य साथी देश कौन सा बना है बताइए तो नाटो का जो 32वां सदस्य देश बना है वो कौन बना है वो स्वीडन बना है आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त से अभ्यास यानी कि भारत शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है भारत शक्ति साथियों यह कहां पर आयोजित किया जाएगा बताइए तो ये साथियों कहां पर आयोजित किया जाएगा जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा आप लोग ध्यान रखेंगे राजस्थान के जैसलमेर में ही साथियों तीनों सेनाओं का संयुक्त से अभ्यास जिसका नाम है भारत शक्ति इसका आयोजन किया जाएगा भाई बहुत बढ़िया वेरी गुड क्लास उसके बाद एक चीज देख लेंगे कि भारत की तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना नौसेना और वायुसेना का जो संयुक्त अभ्यास है साथियों जिसका नाम है ए, मैंने आपको बताया भारत शक्ति इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा तो राजस्थान के जैसल मेल में साथियों स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा ठीक है 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे इतनी जानकारी भी आपको मालूम होना चाहिए चलिए उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव साहित्य तो उत्सव कहां पर आयोजित होगा तो कहां पर आयोजित किया जाएगा साहित्य तो उत्सव साथियों यह विश्व का सबसे बड़ा साहित्य तो उत्सव है इसका आयोजन साथियों दिल्ली में किया जाएगा आंसर आपका ए के साथ जाएगा किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं तो साथियों किसने प्रदान किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड साथियों प्रदान किए गए हैं आंसर आपका सी के साथ भारत और किस देश के बीच सी डिफेंसडर दो अभ्यास होगा बताइए तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारत और अमेरिका की जब हम बात

देशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी बताइए तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारत की सेना पोखरण में स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी आंसर आपका ए के साथ जाएगा हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है तो सुधा मूर्ति इनका नाम है और हाल फिलहाल में इनको ही साथियों राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है तो कहां पर किया है साथियों कोलकाता में किया है क्या किया है नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता में यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है साथियों ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है तो नीति फॉर स्टेट्स को साथियों किसने लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव जी ने साथियों लॉन्च किया है या आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ भी बहुत बढ़िया वेरी गुड क्लास चलिए अब उसके बाद देखिए कि संचार रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने सरकारी थिंक टैंकर सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग का प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया है जो एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है इसके साथ ही उन्होंने नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष का भी साथियों एक तरीके से आयोजन किया उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश में नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है तो कहां पर किया गया है साथियों मॉरिटोनियो में किया गया है नरेश कुमार जी को भारतीय दूत के रूप में किया गया है उसके बाद अगर बात करते हैं अजय माणिक राव विलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है विश्व बैंक के जेईएफजीईएफ एफ की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है तो गीता बत्रा बनी है श्री साद अहमद वराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त तो बने हैं यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई बहुत बढ़िया वेरी गुड लास्ट चलिए किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है तो किसने जीता है साथियों यतिन भास्कर इनका नाम है और इन्होंने ही राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया यानी कि किस देश ने साथियों अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है तो मिस्र की जब हम बात करते हैं आप लोग ध्यान रखेंगे बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये तो मिस्र देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है आंसर आपका ए के साथ जाएगा किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब साथियों संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है उसके बाद देखिए दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संयुक्त अरब अमीरात ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है बिल्कुल सही तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए Halihime sansat khel mahkum 3.0 का आयोजन कहां पर किया जा, तो पर किया जा रहा है साथियों तो कहां हिमाचल प्रदेश में किया जा रही। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखिए और अपना करंट अफेयर साथियों मजबूत कीजिए देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों ट्रेवल रिव्यू अवार्ड दो हजार चौबीस में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है तो हिमाचल प्रदेश रहा है उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि सरकार गांव के द्वार पहल इसका अनावरण साथियों कहां पर किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है और आपको ध्यान रखना है विंटर कार्वाल शिमला में हुआ है कहां पर हुआ है तो शिमला में हुआ है उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है कि किसने मीथेन सेट लॉन्च किया है तो मीथेन सेट साथियों किसने लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने ही मीथेन सेट लॉन्च किया है आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जाएगा सी के साथ अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है किस राज्य की आदिवासी

करंट अफेयर के प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि कन्या सुमंगला योजना कन्या सुमंगला योजना का अनुदान पंद्रह हजार से बढ़ाकर पच्चीस हजार कर दिया गया है उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है पूछा जाएगा देश में पहली बार किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति लागू की है तो उत्तर प्रदेश साथियों आपको बताना है और उसके बाद देखिए सड़सठवीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई यूपी के कहां पर आयोजित की गई है लखनऊ में साथियों सारी की सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी आपका एग्जाम है आने वाले समय में जो भी आपकी एग्जाम है उसमें आप साथियों करंट अफेयर के जो भी आठ से नौ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे साथियों क्लासेस से इस क्लासेस से आप लोग का अगर चाहते हैं तो ये क्लास मैं आपको दे रहा हूं ठीक है इसके बाद एक क्लास साथियों आपको और दूंगा वो भी लगभग लगभग ऐसे ही होगा मतलब पिछले छह महीने की करंट अफेयर में आपके लिए बना दूंगा और एग्जाम से पहले पहले वो उसको देख जाइएगा जितने भी साथियों पांच सौ से छो तो क्वेश्चन ले ले जितने भी करंट अफेयर के सवाल आप देखेंगे तो उसी क्लास से देखेंगे तो का स्क्रीन पर है कि आमिर सुबहानी को किस राज्य के विद्युत आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो आपसे अगर पूछा जाए के बिहार की जब हम बात करें यानी कि बिहार राज्य के विद्युत आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है तो आमिर सुबहानी को बनाया गया है इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए चलिए अब अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है तो ब्रजेश मेहरोत्रा को ही बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है आपसे पूछा जाए कि नागी पक्षी महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है तो बिहार में ही साथियों नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है आपसे पूछ लिया जाए साथियों की बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया है तो नंद किशोर यादव जी को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है एकदम तीन गोल्डन पॉइंट साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है तो आप लोग ध्यान रखेंगे टाइगर वुड्स की अगर बात करें ना तो टाइगर वुड्स को ही बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ अब अगर बात करें अगले नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको शेवलियर डे डी होनूर से सम्मानित किया गया है तो फ्रांस का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ए, इस सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है तो शशि थरूर को सम्मानित किया गया है यह आप लोग ध्यान रखेंगे उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे सतहत्तर अवार्ड दो हजार चौबीस में, में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसका अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड साथियों किसने जीता है तो ओपन हाइवर फिल्म ने जीता है यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद अगर बात करें अट्ठावन में ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और रामभद्राचार्य को सम्मानित

आपको ध्यान रखना है कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो आप लोग लो ना, नाम है नायब बुकले। क्या? नायब बुकले के अगर बात करें तो ये साथियों अल सलवाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओलजास बेटे और फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्सेंडर स्टब बने इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए उसके बाद देखिए हाल ही में

पहला यूरोपीय राष्ट्र देश कौन सा बनाए साथियों तो फ्रांस बना है आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रांस में तमिल कवि जिनका नाम है साथियों तिरुवल्लुवर वल्लुवर इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है कहां पर इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है फ्रांस देश में इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया है यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए दो बच्चों के नियम को एस की मंजूरी मिल गई यानी कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है तो आप लोग ध्यान रखेंगे राजस्थान आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चलिए अब उसके बाद देखिए राजस्थान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कौन कौन से बन सकते हैं आप लोग ध्यान रखेंगे राजस्थान में ही मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है राजस्थान में लौह आईएसके के विशाल भंडार पाए गए हैं और राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है ये तीन गोल्डन प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि देश का

कच्छी खरे क्या कच्ची खरे को साथियों जीआई टैग मिला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहां पर हुआ है तो गुजरात के कच्छ में शुरू हुआ है इतनी जानकारी भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए उसके बाद अगर बात करें कि हाल ही में 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में किसे घोषित किया गया है तो बीजिंग को घोषित किया गया है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की यानी कि बैगलेस पहल की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है यानी कि मध्य प्रदेश में ही बैगलेस पहल स्कूल पहल शुरू की गई आंसर आपका जाएगा बी के साथ हाल ही में आर ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया तो डी बैंक की जब हम साथियों बात करते हैं तो अभी हाल फिलहाल की बात है आर ने डी बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है उसके बाद देखिए हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने हैं बताइए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों नरेंद्र मोदी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है यानी कि जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने हैं तो नरेंद्र मोदी बने हैं ये आंकड़े कहते हैं उसके बाद देखिए भारत ने बुद्ध के चार अवशेष किस देश में भेजे हैं बताइए तो कहां भेजे हैं साथियों थाईलैंड में, साथ में, में? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा बताइए तो कहां पर किया जाएगा साथियों श्रीलंका में किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा श्रीलंका में किया जाएगा अब अगर बात करते हैं साथियों श्रीलंका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तो देखिए कि श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों कितने घरों 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है ठीक है वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने साथियों पिथुम निशांका बने इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे उसके अलावा श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए चलिए साथियों इकसठ साथ प्रश्नों तक हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुल मिला के साथियों आपको पूरे सौ क्वेश्चन देखना है मेरा मानना है साथियों इन सौ क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं प्लस जो तीन तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं तो लगभग वही 300 के आसपास नहीं 300 नहीं बल्कि 400 के आसपास ये कुल मिला के आपके प्रश्न बनते हैं तो इन 400 प्रश्नों को साथियों अगर आप बहुत ध्यान देख लेते बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो 2024 की बात करें जनवरी फरवरी मार्च इन सब का करंट अफेयर आपका बहुत मजबूत हो जाएगा बहुत शानदार आपका करंट अफेयर हो जाएगा चलिए तो बात करें साथियों हाल ही में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूर

के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है शेवेलियर डेला डी होनूर इससे सम्मानित किया गया है किसको शशि थरूर जी को उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो ओपन हाईमर फिल्म को मिला है उसके बाद देखिए अट्ठावन में ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और राम भद्राचार्य जी को सम्मानित किया जाएगा इतने पॉइंट आपको साथियों और भी मालूम होना चाहिए देखिए रिविजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जिसको जितना पढ़ लो बाकी अगर आप पिछला रिविजन नहीं करोगे तो वो

उस दिन के हो पिछले दिन के हो वो रखू और जो लगभग एक महीने पहले की जितने करंट अफेयर जिसके मान लीजिए मध्य प्रदेश का जिक्र आया तो मध्य प्रदेश के लगभग चार से पांच वो करंट अफेयर के प्रश्न भी तुरंत आपके सामने रखूं जिससे आपका पिछले पांच महीने का चार महीने का तीन महीने का रिवीजन भी हो जाए साथियों ठीक है ना तो कुल मिला के ये चीज मैं आपके लिए करने वाला हूं और भी बहुत सारी चीजें हम लोग वहां पर जोड़ेंगे यानी कि जिस राज्य का जिक्र आएगा उसके मुख्यमंत्री कौन है उसके राज्यपाल कौन है जिस देश का जिक्र आएगा उसके राष्ट्रपति कौन है प्रधानमंत्री कौन है ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में साथियों पूछी जाती हैं ठीक है ना तो अगर आप साथियों करंट अफेयर से रिलेटिव जीके पढ़ेंगे और जीके के भी क्वेश्चन उसमें शामिल करूंगा क्योंकि जीके आजकल वो पूछी जा रही है साथियों जो करंट अफेयर से रिलेटिव है क्योंकि जो इस बात को समझ गया वो जीके बहुत आराम से कर डालेगा ठीक है ना तो आप लोग सपोर्ट कीजिए साथियों इस वीडियो को एक बार लाइक करिएगा शेयर कीजिएगा प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा साथियों कि क्लास आपको कैसी लगी और उसके अलावा जो डेली करंट अफेयर वाला मेरा ये प्लान है अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे आप लोग हाल ही में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन साथियों कहां पर किया जा रहा है तो कहां पर किया गया है साथियों गुलमर्ग में किया गया है यह आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया है तो ये तो साथियों ग्रेटर नोएडा में किया गया कहां पर किया गया है ग्रेटर नोएडा में किया गया है आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां पर स्थापित किया जाएगा तो कछुआ संरक्षण रिजर्व साथियों कहां पर स्थापित किया जाएगा ये गोंडा में स्थापित किया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है पंजाब के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश ने तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों जो हिमालयन बास्केट लॉन्च किया गया है ना ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है अब अगला प्रश्न देखिए

में, बैंकिंग टेक सम्मेलन में किस बैंक ने सात पुरस्कार जीते हैं तो किस बैंक ने साथियों सात पुरस्कार जीते हैं सिटी यूनियन बैंक के द्वारा सात पुरस्कार जीते गए हैं यानी कि 19 में, बैंकिंग टेक सम्मेलन में सिटी यूनियन बैंक ने सात पुरस्कार जीते हैं उसके बाद देखिए कि किस राज्य में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा बताइए तो किस देश की बात चल रही है साथियों छत्तीसगढ़ की बात चल रही है यानी कि जो अवैध धर्मांतरण ठीक है धर्मांतरण रोकने के लिए जो कानून लाया जाएगा वो छत्तीसगढ़ राज्य में लाया जाएगा आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए आपसे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव किसे नियुक्त किया गया है तो बसव राजू इसको नियुक्त किया गया है छत्तीसगढ़ की विधानसभा के स्पीकर किसे चुना गया है तो रमन सिंह जी को चुना गया है उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है तो ये साथियों मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने तो अभी हाल फिलहाल में साथियों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बनाए गए हैं और इंडोनेशिया का राष्ट्रपति किसे बनाया गया है तो प्रबोवो वो तो को बनाया गया इनका नाम आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे और ये कहां के राष्ट्रपति बने हैं यह भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है तो कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन में रिपीटेड एक तरीके से आपके लिए लाया हूं ताकि आपको मालूम पड़ सके कि यह क्वेश्चन तो अभी मैंने देखा था चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की कि राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है राजस्थान के डीजीपी कौन बने हैं तो उत्कल रंजन बने हैं उसके

हम लोग नहीं देखा हाँ, तो ये देख लीजिए साथियों चलिए कि अलेक्जेंडर स्टब के, के राष्ट्रपति बने थे क्योंकि साथियों जब ये बार बार आप इसको रिवाइज नहीं करोगे ना कि किस देश के कौन राष्ट्रपति बने हैं किस देश के कौन प्रधानमंत्री बने हैं अभी हाल फिलहाल में तो आप लोग इनको भूल जाओगे ठीक है ना कजाकिस्तान का राष्ट्रपति आप अलेक्र स्टप कर दोगे और अल सलवाडोर का राष्ट्रपति आप साथियों क्योंकि में, तो में देशों के राष्ट्रपति बने होंगे ना उनके नाम भी होंगे ऑप्शन में साथियों नायब बुकले का नाम भी होगा और ऑप्शन में अलेक्जेंडर भी होगा तो मैं नहीं चाहता कि फिनलैंड का पूछा जाए राष्ट्रपति और आप अल सलवाडोर के राष्ट्रपति गलती बता दो चलिए तो इसलिए बार बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं एलेक्जेंडर स्टब जो बने हैं वो फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं और ओल्जास बेक्टनोव कजाखिस्तान के राष्ट्रप्रधान प्रधानमंत्री बने हैं और नायब बुकले साथियों अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने और ये दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है तो कहां पर रखी गई है साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में रखी गई कहां पर रखी गई है तमिलनाडु में साथियों रखी गई है आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ अब उसके बाद अगर बात करते हैं तमिलनाडु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की कि तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए ए स्थापित करेगा भाई क्या ए हब स्थापित करेगा यहां पर होना चाहिए क्योंकि मुझे याद है साथियों कि तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए आई हब हाँ स्थापित करेगा बिल्कुल उसके बाद अगर बात करें तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए एक हेल्प डेस्क लॉन्च किया है बहुत बढ़िया बात और तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम साथियों शुरू किया गया यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता बहुत बढ़िया वेरी गुड क्लास हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी साथियों कौन बने तो दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं आर अश्विन बने हैं इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं उसके बाद अगर बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ समझौता किया है तो एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कॉमिट और दीप्ति शर्मा बने हैं, ठीक है ना? उसके अलावा अगर बात करें साथियों, एथलीट ऑफ द ईयर 2023 या विराट कोहली को चुना गया है ये ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे साथियों तो यहां पर अगर बात करें क्या होगा साथियों किस राज्य में करेंगे ये पूछा जा रहा है तो असम में करेंगे क्या करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और ध्यान देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी साथियों असम राज्य में वीर लॉचिन बर्फुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे कहां पर करेंगे आप लोग देखेंगे के असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी यानी असम में असम की कैबिनेट ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जो कि जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाएगा साथियों ठीक है ना चलिए उसके बाद देखिए असम राज्य असम राज्य परिवहन निगम ने असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की पूछा जाएगा किस राज्य में भारत की पहली 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की गई है तो असम में शुरू की गई है उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ क्या हुआ है साथियों त्रिपक्षीय समझौता हुआ है अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अगर बात करें यहां पर कि

और पूछा जाए आपसे कि फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिट इंडिया कुमार यादव जी बने तो रवि कुमार झा जी को अगर बात करें रवि कुमार झा जो बने वो एल म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो ये तीन गोल्ड पॉइंट आती हूं आप लोग ध्यान रखेंगे चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है बताइए तो असम साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे असम राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है किसको काजी नेमू को अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया देखिए यहां पर साथियों में जो करंट अफेयर के आपके लिए सवाल लाया हूं ना पहले मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्च के थे उनको मैंने कंप्लीट करवाया उसके बाद साथियों जो फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करवाए फिर

किस देश में एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडोनेशिया आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे क्यों ध्यान रखेंगे क्योंकि इंडोनेशिया देश में एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है यह आपको साथियों मालूम होना चाहिए चलिए अब इंडोनेशिया का जिक्र है तो इंडोनेशिया की कुछ बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि इंडोनेशिया का जो माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी है ये फटा है आपसे पूछा जाएगा कि किस देश में माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी है जो अभी हाल फिलहाल में फटा है तो इंडोनेशिया में है साथियों ये माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो मारापी ज्वालामुखी है ना ये भी इंडोनेशिया में है और इसमें भी साथियों विस्फोट हुआ है तो मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी साथियों फटा है और ये दोनों ज्वालामुखी कहां पर है इंडोनेशिया में है तेतालीसवा आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा साथियों जकार्ता में आयोजित होगा यह पॉइंट भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए चलिए अब उसके बाद देखिए आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है तो इनका नाम क्या है बताइए तो इनका नाम है सातव श्रीपति इनका नाम क्या है इनका नाम है श्रीपति और ये एक तरीके से आदिवासी हैं आदिवासी महिला हैं और ये तमिलनाडु की साथियों सिविल जज बनी है इतनी सी बात आपको मालूम होना चाहिए अब उसके बाद अगर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमेन टी टी कौन बनी है तो सिंधु गणपति जी बनी है अभी मैंने आपको बताया था अभी मैंने आपको यह भी बताया था कि फिट इंडिया

नाम की एक कि योजना लॉन्च की गई है चलिए अब अगर बात करें ओडिशा से संबंधित कुछ अहम सवाल बनेंगे कि ओडिशा में जो भुवनेश्वर है तो भुवनेश्वर में बारा मुंडा आई का नाम बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा ठीक है ओडिशा के जो रेड आंट चटनी है साथियों बहुत फेमस है ओडिशा की जो रेड आंट चटनी है इसको काई चटनी भी कहा जाता है क्या कहा जाता है काई चटनी कहा जाता है इसको साथियों जी आई टैग दिया गया है उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि ओडिशा की जो मनीषा पांडे हैं ये भारत की पहली वुमेन एट डे कैंप तो बनी है ये भी आपसे एग्जाम में

अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों तो स्टील बर्ड आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे इस कंपनी का नाम ध्यान रखेंगे क्यों ध्यान रखेंगे क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी जो बनी है वो स्टील बर्ड ही कंपनी साथियों बनी है उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि तीन दिन का व्यापार मेला ये कहां पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है बताइए तो यह कहां पर संपन्न हुआ है साथियों मेघालय

के एक मसाला ब्रांड है साथियों के पी के पी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है वो करीना कपूर को बनाया है उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों जो 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 बिस्लेरी है 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 या जो टेक्नो है, या टेक्नो मोटर इंडिया इसने अपना ब्रांड जो बनाया है, वो दीपिका पादुकोण को बनाया गया है ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे उसके अलावा अगर बात करें ए एस आई टी आई एस न्यूट्रिशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है तो रविंद्र जडेजा जी को बनाया है ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए चलिए उसके बाद देखिए फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड अंबेसिडर कौन बने हैं साथियों तो नरेंद्र कुमार यादव की अगर बात करें ना तो नरेंद्र कुमार यादव साथियों ये फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड अम्बेसिडर बने हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद देखिए हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है तो ये साथियों एकदम ट्रिपल स्टार लगाकर इस प्रश्न को लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है तो उत्तराखंड साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है तो उत्तराखंड बना है नशे के, के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया पूछा जाएगा कि धामी अभियान किसने शुरू किया है तो उत्तराखंड में शुरू किया गया है किसके खिलाफ शुरू किया गया है तो नशे के खिलाफ शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों के द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया उत्तराखंड सरकार कह रही है कि बाहर के लोग कृषि भूमि नहीं खरीद सकते उत्तराखंड में साथियों उत्तराखंड के लोग कृषि भूमि खरीद सकते बाहर के लोग नहीं खरीद सकते हैं मतलब अदर राज्य के लोग उसके बाद देखिए कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का सत्तरवा संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है साथियों यह भी आपको मालूम होना चाहिए हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है बताइए चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों नीमा सरिखानी इनका नाम है और इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवॉर्ड दिया गया है आंसर आपका जाएगा सी के साथ यहां पर साथियों कुछ इंपॉर्टेंट एक तरीके से बात है वो आप लोग तो ध्यान रखेंगे कि नीमा सरीखानी इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है यानी कि पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला है उन्हें यह सम्मान बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के चलते मिला है उन्होंने तस्वीर लेने से पहले नॉर्वेजियन द्वीपों पर तीन दिन तक ध्रुवीय भालू की खोज की थी इस तस्वीर में ध्रुवीय भालू को एक छोटे से हिमखंड पर सोते देखा जा सकता है तो कुल ये आप लोग ध्यान रखेंगे अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर यह साथियों पहल शुरू की गई है तो सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण जो किया है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे उसके बाद देखिए साथियों गोवा में दसवीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है पूछा जाएगा कि दसवीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहां पर मिला है तो गोवा में मिला है और गोवा के काजू को साथियों जीआई टैग दिया गया है उसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री ने एक साथियों एक तरीके से बात करें स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है तो आपसे एक पल को पूछ लिया जाए साथियों आपके एग्जाम में कि स्वयंपूर्ण ई बाजार किसने लॉन्च किया है तो गोवा के मुख्यमंत्री ने ही लॉन्च किया है अब उसके बाद देखिए कि हाल में ओल जास

कहां पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी बताइए यानी कि यूपी सरकार जल मेट्रो सेवा जो शुरू करेगी वो अयोध्या में करेगी और अयोध्या कहां पर है यूपी में ही है तो कुल मिला के साथ उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए उसके बाद देखिए अगर बात करें अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिष्ठा के साथ ही शहर के कायाकल्प में जुटी योगी सरकार अब सरयू में वाटर मेट्रो चलाएगी अयोध्या में सरयू नदी में जल्द ही पर्यटक वाटर मेट्रो से सफर कर सकेंगे उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे सरयू के किनारे संत तुलसी घाट से अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस वाटर मेट्रो करीब चौदह किलोमीटर का सफर गुप्तार घाट तक तय करेगी जिसमें एक साथ लगभग पचास यात्री जल विहार का आनंद उठा सकेंगे चलिए उसके बाद अगर बात करें कि पदुचेरी के मुख्य सचिव कौन बने हैं तो पदुचेरी के मुख्य सचिव साथियों शरद चौहान जी बने कौन बने हैं आप लोग ध्यान रखेंगे शरद चौहान का नाम ध्यान रखेंगे क्यों क्योंकि ये पदुचेरी के मुख्य सचिव बने हैं अब अगर बात करें साथियों इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक कौन बने हैं तो प्रसन्न कुमार आचार्य जी बने हैं यूपीएससी के सदस्य के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है तो शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है और बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया

हुआ है कहां पर शुरू हुआ है जो भारत ऊर्जा सप्ताह में शुरू हुआ है तो गोवा के काजू को जीआई टैग दिया गया है और में का मिला है। भी आपको रखना है। उसके अलावा साथियों मैंने आपको बताया था कि पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया गया है तो गोवा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव साथियों कहां पर हुआ है तो यह भी गोवा में हुआ है यह

नए राष्ट्रपति नहीं एक तरीके से ये चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं पूछा जाए कोमो कोमोरोस की अगर बात करें कोमोरोस के चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं तो अजाली असोमनी जो है ना ये चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं कोमोरोस के इतना आपको साथियों ध्यान रखना है उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति कौन बने हैं तो बर्नाडो एरेवलो बने हैं चार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो सुक्सेस मसरा बने हैं उसके अलावा कामो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो तसेदी केदी को नियुक्त किया गया है यह भी आपको ध्यान रखना है किसको तसे सिकेदी को नियुक्त किया गया उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है देखिए किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा हुई है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि के कोई एक ऐसा देश था पाकिस्तान एक ऐसा देश है मतलब यहां के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यहां प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनको 10 साल की साथियों सजा हुई है आंसर आपका जाएगा बी के साथ अब अगर बात करें भारत और पाकिस्तान की तो भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकेंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है ये तीन गोल्डन पॉइंट साथियों आपको मालूम होना चाहिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं बताइए तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की जब हम बात करते हैं ना साथियों तो बर्नार्ड अर्नोल्ड का नाम आपको मालूम होना चाहिए देखिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो बने हैं वो बर्नार्ड अट बने हैं मस्क की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों दूसरे नंबर पर है और जेफ बेजोस साथियों तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं तो दुनिया के तीन सबसे अमीर लोगों के नाम आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद जनसंख्या बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पर कम हो रही है तो चीन की अगर बात करें साथियों चीन देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है आंसर आपका जाएगा साथ। उसके बाद देखिए अगर बात करें साथियों दो में लगातार दूसरे वर्ष चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है 2.75 मिलियन घटकर 1.409 बिलियन हो गई है चलिए अब अगर बात करें चीन ने एक नया उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब क्या नाम है आइंस्टीन प्रोब इसका नाम है चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है पूछा जाए चीन ने अपना नया रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया है तो डोंग जून आप लोग नाम ध्यान रखेंगे उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है साथियों बताइए तो आप लोग ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि मध्य प्रदेश के जो मास्टर अवनीश है, इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है आंसर आपका जाएगा सी के साथ बात करें अगर 22 जन्वरी, 22 जनवरी जनवरी को सामाजिक का का सेवा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार दिया गया है और मास्टर अवनीश डाउन सिंड्रोम से प्रभावित स्पेशल चाइल्ड है अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों देखे हम लोगों ने लेकिन तीन तीन लगभग तीन तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखे तो ये लगभग चार सौ के आसपास साथियों क्वेश्चन आपने देखे पिछले तीन महीनों के जनवरी फरवरी मार्च 2024 के तीन महीने साथियों जो चुनिंदा क्वेश्चंस बने सबसे खास क्वेश्चंस बने सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस बने वो साथियों मैंने आपको समर्पित कर दिए और मेरा मानना है साथियों इन सवालों को आपने देखा है और आपकी करंट अफेयर साथियों बहुत मजबूत हो चुकी होगी सौवे नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है आपसे पूछा जा रहा है कि किसने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की है तो मैरी कॉम का नाम आपने बहुत सुन रखा होगा साथियों मैरी कॉम ने ही साथियों मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की है आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई बहुत बढ़िया वेरी गुड